और देखिए मीटिंग से पहले चीन पर बाइडेन का बड़ा बयान, चीन से अलग होने की कोशिश नहीं, ये बाइडेन कह रहे हैं, चीन से संबंध बेहतर करने की कोशिश, बाइडेन का ये बयान है। अमेरिका का मतलब संभावना यानी कि होप, ये कह रहे हैं बाइडेन। America can be defined by a single word. I mean it sincerely. To get back on a normal course of corresponding, being able to pick up a phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. We can't take, as I told you, we're not trying to decouple from China, but what we're trying to do is change the relationship for the better. तो बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बात होगी, यह समझना बेहद जरूरी है। तो उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जिन पर बात होगी। गाजा जंग, जी हां, बाइडेन ईरान पर दबाव बनाने को कह सकते हैं, जंग से ईरान को दूर रखने की अपील कर सकते हैं चीन से, और जिनपिंग क्या कह सकते हैं, जिनपिंग इसराइल पर दबाव बनाने की बात कह सकते हैं अमेरिका से, जिनपिंग अस्पताल पर हमले का मुद्दा भी उठा सकते हैं, जिनपिंग गाजा से पलायन का मुद्दा भी उठा सकते हैं, बंधकों की रिहाई पर चर्चा हो सकती है दोनों नेताओं के बीच, और मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा होगी। जरूरी बातें क्या हैं इस पर भी गौर कर लें। अगर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से अलग मुलाकात, बाइडेन और जिनपिंग के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा संभव हो सकती है, अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे पर जो तनाव बढ़ा था उस पर भी बातें हो सकती हैं, और ये जरूरी बातें हैं जो पिछले दिनों दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनी थी। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मुझे याद आ रहा है कि बाइडेन ने गाजा वॉर को लेकर एक बड़ी बात कही थी और कहा था कहीं इसमें चीन का हाथ तो नहीं, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कहीं ठप पड़ जाए, और जो G20 से भारत से जुड़ा, मध्य एशिया से जुड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था उसको बाधित करने का ये प्रयास तो नहीं है। तो युद्ध से पहले एक आरोप लगा रहे थे और अब आमने सामने की मुलाकात है, आप क्या मानते हैं, क्या वो विषय भी दोबारा उठाएंगे बाइडेन, या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ सहयोग, दोस्ती और जटिल मुद्दों को सुलझाने की ही बात हो? देखिए, ये दोनों हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग बहुत ही अहम है, और मैं मानता हूँ कि जब दो हेड ऑफ स्टेट चाइना और अमेरिका मिलते हैं तो ये एक बहुत वाइड कैनवास पे बात करते हैं। जो मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं, मेरा मानना है आज की डेट में इसराइल और हमास युद्ध तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन इसके साथ कई सामरिक इशू पर भी बात होगी, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर, चाइना और ताइवान के इशू, इंडो पैसिफिक इशू, और सबसे अहम मुद्दा जो उठता है वो इकोनॉमिक्स का है, जो आपका ट्रेड है, कॉमर्स है। मिडिल ईस्ट में जैसे ही चाइना ने अपने पहुंचनी शुरू हुई, वैसे ही ये वॉर हो गया, उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। उसके मिलिट्री बेस, उसका जो नेवल बेस जो नॉर्थ अफ्रीका में है, जिबूती में है, जिससे वो रेड सी पे समहाउ कंट्रोल करना चाहता है, वो उसका इशू है। देखिए, विश्व आज की डेट में काफ़ी हद तक चाइना के इनपुट पे डिपेंडेंट है, जो कि कॉमर्शियल एंगल रखता है, तो इस पर भी बात होगी, और बाइडेन एक प्रेशर जरूर बनाना चाहेंगे जिनपिंग पे, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो। अगर ईरान को किसी तरीके से चाइना प्रेशराइज कर सकता है तो उस पर भी बात होगी। वो एक इनपुट को खत्म करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट से, चाइना उसमें एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो मिलिट्री हार्डवेयर है, चाहे कॉमर्शियल है, चाहे इकोनॉमिक, यानी कई डायमेंशन से या आपसे रिश्ते भी